हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और कुछ बोलने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके एक एक लाइक्स मेरे लिए इतने ज़रूरी है कि मैं क्या बताऊँ आपको, क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कर दो यार, लाइक कर दो। एंड इंस्टाग्राम पेज है मेरा, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। मैं वहाँ पे छोटे छोटे एक्स्ट्रा वीडियोस डालते रहती हूँ। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कुछ पोस्ट्स डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, कभी कभी तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी करती हूँ वहाँ पे। सो डू दैट यार, जाइए वहाँ पे भी। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बस मैं आपको किस देना चाहती हूँ और कुछ नहीं, बहुत सारा प्यार आपके लिए एंड ब्लेसिंग्स। मैं चाहती हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है इस वक्त, चाहे आप लाइक करो इस वीडियो को ना करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपके ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपका लव लाइफ, आपकी करियर, सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। मेरे दिल से यही दुआ है आपके लिए। जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, खुश रहो, ठीक है? सो चलिए अभी रीडिंग के ऊपर जंप करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है सबसे पहले तो, और रीडिंग हम इस चीज़ की ही कर रहे हैं कि आपके पर्सन इस वक्त उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करेंटली वो क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। ट्रूएस्ट ट्रूएस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशंस हम देखेंगे उनके, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। मैं इसको लाइट कर लेती हूँ कैंडल को। ओके, सो लाइट कर लिया है कैंडल, अब देखते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ रिंग्स वगैरह पहनने का टाइम भी नहीं मिला, संडे है ना। चलो एनीवेज काम पे ध्यान देते हैं, रिंग्स पे नहीं। ओके, शांत कर लीजिए अपना मन, कोई भी थॉट्स नहीं लाना है, कोई प्री अजम्पशंस नहीं करने हैं आपको, ठीक है? पूरा ब्लैंक मन रखना है, कोई गुस्सा नाराज़गी अपने पार्टनर को लेकर मत रखिए, पीसफुल एकदम, और उनके बारे में सोचिए, फोकस करिए उन पे। करेंटली आपके पर्सन की ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले तो आपके पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे, मतलब आपसे अपने आप को जुदा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि अपने आप से आपको दूर रखे या आपके बारे में ना सोचे, लेकिन बार 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 उनके ख्याल उनको आपके पास ले आते हैं। दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। मिस कर रहे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे आपको ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। सो ऐसा मत सोचिए कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं, बहुत मिस कर रहे, बहुत याद कर रहे। दिस पर्सन मिसेज यू एवरी सेकेंड, मतलब हर एक घड़े की एक एक घड़ी की एक एक सुई की जब जब टिक टिक होती है ना, तब ये पर्सन आपको मिस करते हैं, बहुत याद कर रहे हैं। मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि ये पर्सन ऐसा फील कर पा रहे हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप वो आपसे प्यार नहीं करते। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस बात को लेकर बहुत दुखी हो जाते हैं, जब भी उनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते। इस पर्सन को लिटरली बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपसे बेटर उन्हें कोई नहीं जानता, और फिर भी आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो कि वो आपसे प्यार नहीं करते, तो उन्हें उस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है? तो आपसे वो ये कहना चाहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो इमोशंस है, मेरे दिल के अंदर जो भी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, वो सच्ची है, 100% सच्ची है, कुछ झूठ नहीं है उसमें। यही आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं सबसे इम्पोर्टेंटली, ठीक है?
मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके बाद बहुत लोगों से बात करना या उनसे यू नो मूव ऑन होने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन आपकी जगह उनके दिल में, उनके ज़िंदगी में कोई नहीं ले पाया। जिस तरह आप उनसे प्यार करते थे, जिस तरह आप उनकी केयर करते थे, मतलब अभी भी करते हो, लेकिन यू नो एक्सप्रेस होता था ना तभी, अभी एक्सप्रेस एक्सप्रेस नहीं कर पाते आप। तो जिस तरह आप उनसे प्यार करते थे या उनकी केयर करते थे, उन्हें एक चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ हो रही है कि ऐसा प्यार, ऐसी केयर उनकी कोई नहीं कर सकता। लाइक नो वन इन दिस वर्ल्ड उतना प्यार जितना आप करते हो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये रियलाइज़ हो गया है इस पर्सन को। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखा है आपको। चले गए फिर आ गए, चले गए फिर आ गए। ठीक है, कभी आपसे अपने आप को दूर कर लिया, फिर से आपके पास आ गए। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इस पर्सन ने हमेशा रखी है, यू नो आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट नाउ ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स से नहीं भाग सकता, आई कांट रन अवे फ्रॉम माई फीलिंग्स। ठीक है, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा है, यही आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके आपके साथ शादी के या कमिटमेंट देने के बारे में या शादी करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। वो आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा आपको बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसी बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ अपनी फैमिली बनानी है। दे आर थिंकिंग अबाउट इट, बहुत ज़्यादा याद कर रहे गाइस ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कितना भी अपने आप को डाइवर्ट कर ले अपना माइंड, आप इनके दिमाग से नहीं जाते। दे यू कीप कमिंग बैक टू देयर देयर माइंड। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि आपके इनके लाइफ में आने के बाद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है लाइक ये उसी बारे में सोच रहे हैं कि जब से आप उनके लाइफ में आए हो, मे बी उनके लाइफ में पहले बहुत लोग आए होंगे। ठीक है, उनका उनको काफ़ी लोगों से के लिए प्यार फील हुआ होगा या अट्रैक्शन फील हुआ होगा, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स है या आपके साथ जो फील होता है उन्हें, इट इज़ समथिंग डिफरेंट देन अदर्स। बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट है ऐसा उन्हें लग रहा है। ठीक है, जो आपने उन्हें फील कराया है, इट इज़ रियली वेरी डिफरेंट देन जो उन्होंने आज तक किसी भी पर्सन के साथ फील ही नहीं करी है कभी ऐसी। ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि यू हैव चेंज्ड देम, आपने उन्हें बदल दिया है, बेटर पर्सन बनाया है, बेटर इंसान बनने में उनकी हेल्प करी है। ठीक है, मे बी आपके आने के बाद उन्होंने अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया, यू नो अपनी हेल्थ की केयर करना, या फिर अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने लगे या सोचने लगे उस बारे में, या फैमिली से भी अच्छे से बिहेव करने लगे। तो बहुत चेंजेस आए हैं इस पर्सन के अंदर, रिस्पॉन्सिबल बन गए, दे जस्ट वॉन्ट टू कम बैक टू यू। मुझे लगता है इस वक्त तो ये पर्सन बस आपके पास आना चाहते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उन्हें छोड़े हुए या उनसे बात ना किए हुए एक लंबा समय बीत गया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब इस पर्सन ने आपसे बात नहीं करी है, एंड नाउ दे वॉन्ट टू जस्ट कम बैक टू यू। मुझे ये भी यहाँ पे लगता है कि जब आप दोनों के बीच सब कुछ सही था, तब ये पर्सन छोटी छोटी बातें भी आपसे शेयर करते थे। इन चाहे इनको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उन्हें पता होता था कि आप कुछ सोल्यूशन दोगे, और जब भी इनकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आती थी या कुछ भी खुशखबरी होती थी तो सबसे पहले उन्हें आपसे शेयर करनी होती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जेन्यूनली हैप्पी होते हो उनके लिए। तो अभी भी इस पर्सन के मन में बहुत सी बातें हैं जो ये आपसे बताकर अपना दुख या सुख बांटना चाहते हैं। देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन जो उन्होंने अपने अंदर दबा के रखी है चीज़ें। ठीक है, जस्ट बिकॉज सिचुएशन ऐसी है वो आपसे बात नहीं कर रहे। ये पर्सन बहुत ओवर थिंक करते हैं, एक ही चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, रिपीटेटिवली मोड़ पे उसी बारे में सोचते रहते हैं। ओके, तो ये गलत भी है एक तरीके से देखा जाए तो, बहुत ज़्यादा सोचना भी कभी कभी गलत नेगेटिविटी लाता है रिलेशनशिप में। तो जितना कम सोचोगे उतना ही बेहतर है, मतलब एक क्लियर माइंडसेट रखिए, उसी बारे में सोचते रहोगे तो
ऐसे ही होगा। तो ये पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहा है। आपके लिए क्या एक्शन लेना है उस बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। ओके कुछ बात है आपकी, इस पर्सन को ऐसी याद आ रही है पास्ट में जो आपने इनको बोली थी, या कुछ होता है ना कि अभी हम कभी कभी गुस्से में या इम्पल्सिव होके कुछ बोल देते हैं सामने वाले को, बट वी डोंट मीन दैट। बट इस पर्सन को लिटरली हर एक वो चीज़ याद आ रही है जो गुस्से में आपने इनको बोली, और उस चीज़ का बहुत याद आ, जब भी याद आती है वो चीज़ें उन्हें बहुत दुख होता है इस पर्सन को, क्योंकि दुनिया में चाहे कोई भी उन्हें थप्पड़ भी मार दे या कुछ भी बोल दे, लेकिन उनको जितना बुरा आपके बोलने से लगता है उनका उतना बुरा उनको किसी के कुछ बोलने से नहीं लगता। सो दैट इज़ ऑल्सो द वन थिंग जिसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन भी हैरान है क्योंकि ये पर्सन ऐसे नहीं है जो किसी पे यू नो सेटल डाउन हो जाते हैं। इनको एक्सप्लोर करना, नए फ्रेंडशिप्स, नए रिलेशनशिप्स, यू नो कमिटमेंट में रहना इस पर्सन को पसंद नहीं था, लेकिन व्हेन सो मुझे इनके अंदर काफ़ी पैशन भी दिखाई दे रहा है आपको लेकर, मिस कर रहे हैं ये भी दिखाई दे रहा है। दे वॉन्ट टू बी विथ यू फिजिकली, आपके साथ यू नो दे वॉन्ट टू बी फिजिकली विथ यू, मतलब एक फेस टू फेस आपके साथ बात करना चाहते या आपको देखना चाहते। दैट वॉज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से। एंड बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, इतनी कुछ ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दी। और ज़्यादा थोड़ा सा कार्ड रीडिंग में बताती हूँ मैं आपको कि और क्या फीलिंग है इस पर्सन की करेंटली। हेलो, सो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि जो ब्रेसलेट्स मैं सेल कर रही हूँ या एक्टिवेट करा के सेल कर रही हूँ वो क्या कुछ है, कौन से ब्रेसलेट्स आपको लेनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है रोज़ क्वार्ट्ज, पिंक कलर के आप देख रहे हो, ठीक है। अगर आपके लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, थर्ड पार्टी इशूज़ है, या आपके पार्टनर और आपके बीच बहुत सारा ट्रस्ट इश्यूज़ है, बहुत नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी अगर हो गई है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, सो ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को ये क्लियर करता है आपके भी, और आप जिनके लिए एक्टिवेट करा रहे हो आई विल एक्टिवेट फॉर देम ऑल्सो, ताकि उनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो और वो अपनी फीलिंग्स को फील भी कर पाए और एक्सप्रेस भी कर पाए। अगर आपके मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है तो भी आप इसको ले सकते हो, लाइक एनी प्रॉब्लम इन योर मैरिड लाइफ, ये भी उसको भी बेटर करता है, इम्प्रूव करता है सिचुएशन को। फ्रेंड्स के साथ आपके फ्रेंडशिप्स के लिए भी आप ले सकते हो, अगर आपके फ्रेंडशिप में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, यू नो को आपको अच्छे फ्रेंड्स चाहिए अपने लाइफ में, उसके लिए भी आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता। सो इट बेसिकली इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप विथ एनी वन, जिसके भी साथ आपके रिश्ते ख़राब हो गए हैं आप उनके लिए ये एक्टिवेट करा सकते हो, ठीक है। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज़ है, तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर दिया है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम के बायो में मैंने इसका नंबर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो अगर आपको ये बुक कराना है तो डेफिनेटली इससे आपका सेल्फ लव भी, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, सेल्फ लव करना, वो चीज़ें भी आपके अंदर आने लगती है आफ्टर यू स्टार्ट वेयरिंग दिस ब्रेसलेट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एमिथिस्ट। तो देखिए, जो भी हमारी बॉडी माइंड सोल अलाइनमेंट जब नहीं होती है तो हम ना बेटर फील कर पाते हैं, ना हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके कोई भी रिकरिंग हेल्थ इश्यूज़ है, स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर प्रॉब्लम्स है, आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, आपके हार्मोनल इश्यूज़ है या फर्टिलिटी इश्यूज़ है, लाइक अगर आप यू नो आप बेबी प्लान कर रहे हो लेकिन कुछ फर्टिलिटी इश्यूज़ अगर आ रहे हैं, सो यू कैन वेयर दिस। ये एमेथिस्ट है, जैसे देख रहे हो पर्पल कलर है, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा आपके हेल्थ के, जो अभी चल रहे हैं उन कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा और आने वाले जो हेल्थ कंडीशंस है उनसे भी आपको बचाएगा। कोई एंग्जाइटी इश्यूज़ है आपको, बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, स्ट्रेस लेते हो, उसके लिए भी आप ये पहन सकते हो। अगर आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी पहन सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ गुड फॉर ऑल द हेल्थ इश्यूज़। यहाँ पे है सिट्रीन,
ठीक है, ये आपके करियर को, आपके लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छे मार्क्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप ये वेयर कर सकते हो, डेफिनेटली आपकी सिचुएशंस इम्प्रूव होंगे। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो अपने करियर में, आपका कॉन्सेंट्रेशन ख़राब है, फोकस नहीं हो पाता है, मोटिवेशन नहीं हो पाता, दिस ब्रेसलेट इज़ रियली गुड। आप इसके रिजल्ट्स भी लोगों के देख सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम पे इसके फीडबैक्स भी शेयर करे हर ब्रेसलेट के, जिनके जिनके भी मेरे पास अभी तक फीडबैक आए हैं। सो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए एंड वहाँ पे चेक करिए और फिर आप अपने लिए बुक करिए, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आपका प्रमोशन नहीं हो पाता, कहीं पे मनी स्टक है आपका, या सैलरी नहीं बढ़ पाती, या नए जॉब ऑफर्स नहीं आते हैं, बिजनेस कर रहे हो क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, जो भी एनीथिंग रिगार्डिंग टू योर करियर एंड फाइनेंस, डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, ये मैंने रिसेंटली लाया है, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है, और ये आपके जो भी नेगेटिविटी है आपके ऑरा में, या आप किसी ने अगर स्पेल करवाया है, या कोई नज़र टोटका है, कुछ भी एनीथिंग, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुरंत उससे निकल जाएगा वो सारी चीज़ें, लेकिन इट विल हेल्प धीरे धीरे उसका जो इफेक्ट है वो कम होने में। एंड होता है ना कि हाँ, कई बार लाइफ में कुछ काम बन नहीं पाते हैं बिकॉज किसी ने नज़र लगाई होती है, या फिर हमारे नेगेटिव ऑरा बन गया होता है, तो उसके उसके लिए भी है ये, उसको ब्रेक करने के लिए उन नेगेटिविटी को, एंड आपकी लाइफ में आइंदा से कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट ना हो, इससे बचाता भी है आपको ये, ठीक है। तो ब्लैक टॉर्मेलाइन आपके नेगेटिव एनर्जी को आपके लाइफ से हटाने के लिए, आप कई बार होता है ना, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत नेगेटिव एनर्जी की वजह से, हैवी एनर्जी में चले जाते हैं, उससे भी आपको बचाता है। सो ब्लैक टॉर्मेलाइन, सिट्रीन, एमिथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज़, ये कोई भी लड़का लड़की पहन सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि लड़की ही पहन सकती है या लड़का ही। सो या डेफिनेटली आप ट्राई करिए इसको, इसके पहले आप रिव्यूज़ पढ़िए, लोगों ने बहुत रिव्यूज़ दिए, मैंने अपने पेज पे शेयर भी किया, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ऑर्डर भी कर सकते हो। सो या यही बताना था आपको। सो आई होप कि आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा। लेट्स सी, कार्ड से देखते हैं कि करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आई टोल्ड यू, पैशन तो बहुत है, इनका ध्यान भी है आप पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आपको भूल ही गए हैं, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, अभी भी दे अवेयर है, अभी भी आपको लेकर अवेयरनेस है इस पर्सन के अंदर। बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में जानने के लिए। ओके, और मुझे लगता है अपने करियर पे भी काफ़ी फोकस्ड है इस वक्त, कुछ मे बी उनके ड्रीम्स है, गोल्स है जिसको ये अचीव करना चाहते हैं। बॉटम में यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आई थिंक दे आर रियली फ्रस्ट्रेटेड, मुझे इनके अंदर रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी दिखाई दे रही है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर निकलने की। ओके, वो ऐसे पर्सन है जो अपने आप को किसी के लिए या किसी सिचुएशन में बहुत समय तक अटकाकर या अटक कर नहीं रख सकते, ठीक है। दे टेंड टू कम आउट ऑफ इट, एंड ये पर्सन एक फाइटर है, ये गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर, सी लवर्स जेमिनाई। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीयूनाइट, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, एंड वो चाहते हैं आपका ट्रस्ट वापस जीते, वो चाहते हैं कि आपको आपका प्यार उन्हें मिले और उनका प्यार वो आपको दे सके, शेयरिंग ऑफ लव चाहते हैं, शेयरिंग ऑफ इमोशंस चाहते हैं, एक दे वॉन्ट टू इंटीग्रेट विथ यू, ठीक है, उसी के बारे में सोच रहे हैं। एंड बॉटम डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हो सकता है कोई यंग एनर्जी है, मे बी अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दे आर यू नो प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हो सकता है कि अभी भी सेटल नहीं है अपने लाइफ में। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि देखिए, उन्हें प्यार भी चाहिए लेकिन उन्हें मे बी अपने करियर पे भी फोकस करना है। सो जब दो चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होती है, दिस पर्सन इज़ वेरी बैड एट डूइंग इट, ठीक
ठीक है, लेकिन मैंने अब जैसे आपको बोला, ये ऐसे पर्सन है जो गिव अप नहीं करते हैं, ओके, ये थोड़ा ही क्यों ना सही, लेकिन ऑफर करेंगे, भले ही इनकी नज़र में इनको लगे कि मैं इतना कुछ ऑफर नहीं कर सकती या कर सकता, स्टिल दे विल डू दैट। तो जितना कुछ वो दे सकते हैं वो देना चाहते हैं आपको। टावर है एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, पहले मुझे लगता है कि इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा था कि जो भी ये टावर मोमेंट आया है या सेपरेशन हुआ या जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उसके लिए वो ज़िम्मेदार नहीं है, ऐसा पहले ये सोचते थे। बट नाउ ये पर्सन अपने आप को भी गलत मानते हैं, दिस थिंक के उनकी भी गलतियाँ रही है जिसकी वजह से आप दोनों आज अलग हो, और वो उसी बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है उनका करियर एक बहुत बड़ा रीज़न हो जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया या ब्रेकअप कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे उसी तरह के आ रहे हैं जहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत एम्बिशियस है, ठीक है, और मे बी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कोई वेल नोन फैमिली हो सकती है, या बड़े खानदानी फैमिली भी हो सकती है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में प्रैक्टिकल रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचना, करियर के बारे में सोचना और आपको इतनी इंपॉर्टेंस ना देना। बट नाउ ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि मेरी भी गलतियाँ हैं, यू नो, जो जिसकी वजह से हमारे बीच ब्रेकअप हुआ। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। सी अगेन, सेम एनर्जी आ रही है, रिपीट हो रही है कि ये पर्सन अपने पेंटिकल्स, अपने पैसों को लेकर ज़्यादा चार्ज्ड अप है, ट्रिगर्ड है। करियर इनके लाइफ में इस वक्त आपसे भी ज़्यादा प्रायोरिटी है, झूठ नहीं बोलूँगी, जो दिख रहा है वो बोलूँगी कि प्रायोरिटी इनकी करियर है इनके लिए, ठीक है। हो सकता है, या तो देखिए यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक तरह के लोग ऐसे पर्सन से डील करें जो अपने लाइफ में ऑलरेडी कुछ बन चुके हैं और वो उस पोजीशन को रिटेन करना चाहते हैं, ठीक है, और वो उसके लिए आपको पीछे छोड़ देते हैं मेनी अ टाइम्स। या फिर दूसरे तरह के लोग ऐसे हैं जिनको अपना करियर बनाना है, पेंटिकल्स अर्न करने हैं, ठीक है। जिसके वजह से क्या हो जाता है कि बार बार फुल स्टॉप लग जाता है, एंडिंग्स हो जाती है, बार बार आप दोनों का रिश्ता या उसका जो इक्वेशन है वो बदल जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं इस पर्सन के। वाओ, जैसे ही नेक्स्ट एक्शन की बात करी है, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग ऑफ लव, टोकन ऑफ लव, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। सो दैट इज़ वॉट इज गोइंग टू हैपन। ये पर्सन कुछ ऑफर करने वाले हैं क्योंकि दे आर वेरी डिपेंड, इमोशनली मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है ना। वो आपको छोड़ पाते हैं, ना आप उनको छोड़ पाते हो, ना वो आपके बारे में भूल सकते हैं, ना आप भूल पाते हो। यू बोथ टेंड टू कम बैक टुगेदर, बार 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 ये साइकिल मुझे लगता है रिपीट होती है। एंड मे बी किसी कैप्रिकॉर्न से एक लव ऑफर आ सकती है आपको, मकर राशि, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग, डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना एक एक कदम बहुत फूक फूक कर उठाना चाहते हैं क्योंकि वो रिजेक्शन से डरते हैं। फोर ऑफ कप्स है बॉटम में, वो रिजेक्शन से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ इम्पल्सिवली कोई एक्शन ले ले तो पता नहीं आप रिजेक्ट ही ना कर दो या थप्पड़ ही ना मार दो उनको, तो वो डरते हैं कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए। तो वो जो भी कर रहे हैं पहले आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, मे बी आपको बहुत स्टॉक करेंगे या अगर किसी के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली किसी से ये किसी के थ्रू या फिर अपने आप से आपकी इन्फॉर्मेशन पहले निकालेंगे कि आप किस माइंड सेट में हो, क्या आप उनसे बात करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। क्योंकि मे बी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कभी आपसे बात करने की कोशिश करी इन द पास्ट बट यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड बैक, तो वो उनको बहुत इंसल्टिंग लगता है क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लास्ट कार्ड देखते हैं, सी फोर ऑफ पेंटिकल्स। इनसिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा है इस पर्सन को। ये इस पर्सन का पता है आपको माइंड कैसा है या स्वभाव आपको लेकर कैसा है, ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं लेकिन अपनी लाइफ की बाकी चीज़ें भी आपके लिए खोना नहीं चाहते। तो इनका कैसा है कि दो नाव पे पैर रख के इनको चलना है, तो गिरेंगे ही, राइट। तो इनको पहले तो डिसाइड करना होगा, तो हो सकता है ये कुछ डिसाइड करे आपको लेकर, डिसीजन ले ले अपना, ओके, क्योंकि दे डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। और इनसिक्योरिटी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि बॉटम में एक हैंग्ड मैन है यहाँ पे। उनको ऐसा हो रहा है कि ना तो वो जो लग्जरी उनके लाइफ में ऑलरेडी है, मतलब मैंने आपको बोला ना दो तरीके के लोग हैं, एक ऐसे हैं जिनके लाइफ में ऑलरेडी वो सेटल है, पैसा बहुत है, तो उनको वो भी नहीं खोना है, ठीक है, उस पर भी 100% देना है अपना,
और लव लाइफ को भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं और आपको भी भुला नहीं पा रहे हैं। और दूसरे जो टाइप के लोग हैं जिनको अपने करियर में कुछ बनना है, ड्रीम्स बड़े हैं, गोल्स बड़े हैं, तो वो अपने करियर को 100% देना चाहते हैं, फिर आपको कैसे टाइम देंगे। सो उनको कुछ चूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ वॉट आई थिंक। ठीक है, वो कुछ चूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो दे कांट गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, स्टक है आप पे, मूव ऑन नहीं हो पा रहे। सो एडवाइस देखते हैं फ्रॉम मोनोलॉजी एंड रीडिंग को एंड करते हैं। चलिए लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। ज़्यादा देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं हमेशा तीन ही कार्ड्स निकालती हूँ एडवाइस के लिए। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। तो देखिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। यहाँ पे वीडियो देखने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत डेस्परेट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। देखिए, इट्स वेरी नेचुरल, आप मिस कर रहे हो तो ये चीज़ें होना नेचुरल है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल। अभी देखिए, आप इतने वीडियोज़ अगर देखते हो टैरो रीडिंग्स के, अभी तक आपको समझ जाना चाहिए कि रोने से, डेस्परेट होने से कुछ नहीं होता है और चीज़ें दूर होती है। सो जस्ट सरेंडर कीजिए, विश्वास रखिए कि जो आपका है वो आपके पास आएगा। ठीक है, कीप योर हार्ट ओपन, अपने हार्ट को, अपने दिल को खुला रखिए, ताकि जो ब्लेसिंग्स, प्यार ये पर्सन की तरफ से आने वाले आपके पास, या यूनिवर्स की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, वो आप रिसीव कर पाओ। ठीक है, क्लियर योर माइंड। तो अपने माइंड को क्लियर करिए किसी भी नेगेटिविटी से, गुस्से से, एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से। ठीक है, ओपन टू द चेंज। तो जो चेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं आपके लव लाइफ में, उसके लिए ओपन रहिए। ठीक है, देखिए कैसे होता है ना कि यूनिवर्स जो भी आपके लिए करेगा, या डिवाइन सोर्स आपके लिए जो भी करेगा, वो आपके लिए बेटर ही होगा। कभी कभी हमें लगता है ना कि हमारे लिए ये चीज़ अच्छी है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि जो हमारे लाइफ में हमें मिल रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। राइट, कोई पेरेंट अपने चाइल्ड के साथ कभी बुरा नहीं करता है, एंड योर चाइल्ड टू द यूनिवर्स। राइट, वो आपके पेरेंट है, वो आपके साथ क्यों बुरा करेंगे। तो आपको एक्सेप्ट करना है और चेंजेस को अडेप्ट करना है। डिटॉक्सिफाई, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनका अभी भी इनर वर्क बाकी है, स्पिरिचुअलिटी के तरफ मुड़ना बाकी है, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना बाकी है। सो डू दैट। जब तक वो नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में जो आप चाह रहे हो रिजल्ट्स, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, करियर हो, हेल्थ हो, लव हो, जो भी है, नहीं होगा। जब तक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। यहाँ पे नेक्स्ट है बी रियल। तो कोई दिखावा नहीं करना है, ना तो अपने आप से, ना लोगों से, ना अपने पार्टनर से। जो है जैसा है, कीप इट रियल। अगर आपको लगता है कि आपको स्पेस चाहिए, बट आप इस पर्सन को फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो क्या होगा पता है, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। तो जब आपको सच में लगता है यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, आपका दिमाग शांत है, आप उस पर्सन के वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए रेडी हो, तो डू इट। वरना टेल देम, मुँह पे ही बोल दो कि नहीं भाई, मुझे अभी नहीं रहना है, गिव मी सम स्पेस। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। देखिए, अगर आप शेयर करोगे ये वीडियो, किसी एक पर्सन से भी शेयर करोगे, आपका कोई दोस्त है बेचारा देवदास बना हुआ है, अगर आप ये वीडियो से शेयर करते हो, उसको भी पता चलेगा ना कि उसके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यू नो क्या सोच रहा है, तो दे कैन मूव फॉरवर्ड, या फिर वो रुक सकते हैं। तो जब वो अपने दिल से फिर आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे, एंड फिर आपकी भी लव लाइफ बेटर होगी। तो ऐसे करो यार, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सारे लिंक्स नीचे होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है, फिर भी कमेंट्स में पूछना होता है आपको, तो पूछिए मत, सब कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके एक बार देख लो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।